गाइस, गाड़ी पे मेरा नाम लिखा है और हम इसलिए यहाँ पर आगे पहुँच गए। अब आगे किधर जा रहे हैं? आप बताएं किधर बैठे हैं? मेरे ख्याल में हाउडी सही रहेगा। सो हाउडी में रश बहुत ज्यादा लग रहा है, मुझे नहीं लगता हम लोगों को वहाँ पे जगह मिलेगी। वेट करें हैं? वेट कर लेते हैं, चले नाम वगैरह लिखवा लेने। अच्छा इधर ही ना नजदीक ही उस्मान का स्कूल भी था, अभी हम लोग एफ7 में आ गए हैं। ये अभी इसका एफ7 में यहाँ पे ये जो है ये हाउडीज है, हम लोग यहाँ पे बैठेंगे और ये बहुत ही खूबसूरत पीछे पार्क में था। बड़ी प्यारी बांसुरी की आवाज आ रही है तो हम लोग भी चलते जा रहे हैं। देखिए भाई बांसुरी बजा रहे हैं। हम लोग ना इधर पार्क में बैठ के ना ये देखे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बुकिंग करवा ली थी तो आज जो है वो नंबर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आपको अपना नेम वगैरह लिखवाना पड़ता है तो हम इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही हमारा नंबर आएगा फिर हम अंदर जाएंगे, तो फिर आपसे आप लोग भी देखेंगे। ये देखिए मेरे मुंह से धुएं निकल रहे हैं लेकिन मुझे ना एक बात पे हंसी भी बहुत आ रही है। मैंने कहा था मैं आपको आउटफिट दिखाऊंगी लेकिन इस सर्दी में मैंने जैकेट पहनी हुई है, ना कोई आउटफिट है, बस जो है बस आउटफिट तो सारा छुप गया है, लेकिन चले कोई नहीं सर्दियों में ऐसे चलता ही है। ये मैं 2005-06 की बात बता रहा हूँ। ये इस जगह पे फवारा होता था, ये गार्डन कोई नहीं होता था, गाड़ी राउंड होती थी और एग्जिट लेन। ये जगह नीट एंड क्लीन ऐसे नहीं थी जैसे उस वक्त थी। अभी देखें यहाँ पे हाउडी भी आ गया सारा, उस टाइम यहाँ पे 2005-06 में कुछ भी नहीं था, ये चीज भी नहीं थी, सिर्फ इधर ड्रैगन होटल होता था वो कॉर्नर पे। ड्रैगन तो खत्म हो गया मेरे ख्याल से। हाँ जी, इस जगह से बड़ी यादें मार रखता है क्योंकि बचपन मेरा इधर गुजरा है, स्कूलिंग इधर हुई है, तो टाइम मिलता था तो हम लोग यहाँ पे आके वॉक किया करते थे, ब्रेक में आते थे हम लोग इधर बैठ के लंच किया करते थे। कभी हमारा ये होता था कि फ्री पीरियड होता था तो हम इधर आके ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत। ऑर्डर दे दिया ऑडी पे बैठे हैं आके, आप देख सकते हैं गाने में इतना अच्छा है इसका। ऑर्डर तो प्लेस किया, अभी देखते हैं आता है तो खाते रिव्यू देखते हैं कि क्या रिव्यू देते हैं। रैन आपने क्या ऑर्डर दिया? प्राइस दिए उड़ान के फ्राइज तो पहले ही आ गए हैं। उड़ान उड़ान इन्होंने आपके फ्राइज पहले ही सर्व कर दिया, अभी हमारा कुछ नहीं आया नहीं पता आपको तो पता था, तभी आपने ऑर्डर दिया था आपने तो फोरन कहा कि प्राइस सबसे पहले ले। इन्होंने ना इतना से करके ना उड़ान के सारे प्राइस उठा लिए। उड़ान थैंक यू, और उस्मान ने सारे उसके खा लिए। मैं भी खा रहा हूँ। आपने भी इनका बर्गर इनके साथ खाना है, ठीक है ना? नहीं, मैं नहीं।
रैन को पता है आपको फ्राइज बहुत पसंद है। गाइस मेरी विंग्स आ चुकी हैं। पता क्या ये आज आगे पीछे सर्व करें क्योंकि आज इनके पास ना रश बहुत ज्यादा है। अभी सामान का बर्गर अभी नहीं, हम लोगों ने वो अभी तक नहीं आया, अभी तक ऑर्डर भी नहीं किया। ऑर्डर कर दिया हम लोगों ने बर्गर का, नहीं किया। हम लोग बस टाइम गुजार रहे हैं किसी तरीके से 12 बजे, क्योंकि हम लोग बहुत पहले आके यहाँ पे बैठ गए थे, हमें पता था जगह नहीं होगी। अच्छा जी अभी विंग्स के रिव्यूज लेते हैं उस्मान से। हाँ जी अबू जी रिव्यू दे विंग का, रिव्यू दे। हनी मस्टर्ड विंग्स है और काफी टेस्टी है, जूसी भी बनाए हैं और स्पाइसेस भी इक्वल है, मुंह में जाते जाते घुल जाते हैं। अबू जी आपने बड़ा जबरदस्त रिव्यू दिया। उरैन आपका क्या रिव्यू है? मैं उरैन चले उरैन ने तो अभी खाया नहीं है, बाद में से रिव्यू ले लेंगे। लेकिन मेरे रिव्यूज अभी अच्छा ही है, अच्छा थोड़ा स्पाइसी है लेकिन अच्छे मजेदार है। मुझे आप व्यूज दें कैसा था? है अच्छा था। और कुछ खाना है? इसका मतलब है खाने। चलो ठीक है, चले जी बर्गर भी आ गया। ये कौन सा बर्गर है? सन ऑफ द बन। बर्गर के कमेंट्स दें। पुरान आप उरैन को नहीं पसंद आया, उरैन को पसंद है अंडा शामी बर्गर है। उरैन थोड़ा थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि मैंने मंगवाया ना इसलिए नहीं पसंद आया। ये भी आपने बोला था ना, मैं भी आपने मंगवाती तो पसंद आना। हाँ बस ये दोनों जो है ना बस हर वक्त आपस में इसी तरह से करते हैं। चॉकलेट बॉक्स फ्रेंड ट्रिप में आप ही कह रही हो नेक्स्ट ट्रिप में। इस तरह कर करके आपने मेरा सारा वो पी लिया। नहीं पीने आपने है? पीने बुरैन पीने आपने है? गाइस आज साल का आखिरी दिन था, उम्मीद है आपका अच्छा गुजरा होगा। बस जो लोग इस साल दुनिया से चले गए उन सब के लिए मगफरत की दुआ करें। एक आयतुल कुर्सी मेरी तरफ से पढ़ के उनको लिए दुआ करें। और अभी हम सोएंगे, सुबह उठेंगे, नया साल शुरू हो चुका होगा। नए साल में नई प्लानिंग्स के साथ, नई उम्मीदों के साथ कि ये जो पिछला साल हमारा अच्छा गुजरा है और हमारा आने वाला साल इससे भी ज़्यादा अच्छा गुजरे। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत बहुत दुआएं हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम सब के लिए भी दुआ करें। शुक्रिया।